नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विशाल फर्नीचर में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नए कारपेंटर हैं या फिर कारपेंटर वर्क सीख रहे हैं तो किस तरह से जो है आप काम सीख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप थंबनेल पे देखे हैं तो एक भाई का कमेंट आया था कि अगर आप कारपेंटर वर्क नया सीख रहे हैं दोस्तों स्टार्टिंग से तो किस तरह आपको कारपेंटर वर्क सीख सकते हैं दोस्तों, क्या जो है नए बात आपको ध्यान रखना चाहिए और जो मैं कैसे काम सीखा था दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेलिंग के साथ में बताएंगे। तीन दोस्तों ऐसे बात आपको बताएंगे कि अगर आप उस बात का ध्यान रखते हैं तो कभी भी जो है कारपेंटर काम आपको करना है सीखना है तो आराम से सीख जाएंगे, और सीखने के बाद भी उस बात का हमेशा आपको जरूरत पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में दोस्तों जो घंटी आइकन का बटन है उसको भी दबा लीजिएगा। उससे होगा क्या, जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा, उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक नंबर वन ये है कि अगर आप कारपेंटर वर्क सीखते हैं या फिर सीखने के लिए आते हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक दोस्तों आपको देख के ही काम सीखना पड़ेगा। जैसे कि आप काम देखने के लिए जब सीखने के लिए आते हैं तो आपको साथ में रहना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपका काम है, जो भी टूल्स है अपना कारपेंटर वर्क में, जो भी फर्नीचर वर्क करते हैं तो उसका जो नाम है आपको पता रहना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब आप काम देखेंगे तो देख के आपको मालूम हो जाएगा कि पूरा टूल्स का नाम क्या है और इससे काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो काम रहता है वो यही रहता है, कभी भी आप आएंगे काम सीखने के लिए तो सबसे पहले आप इसी बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप काम सीखने के लिए आते हैं या फिर कर रहे हैं तो पूरा जो सामान है उसका नाम आपको मालूम रहना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि नए कारपेंटर भाई ये काम इसलिए नहीं सीख पाते हैं, उनको टाइम इसलिए लगता है बहुत ज़्यादा कि क्योंकि वो डरते हैं। तो अगर आप एक कारपेंटर काम सीखना चाहते हैं, फर्नीचर वर्क सीखना चाहते हैं तो आपको कभी भी डरने का ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी आप काम पे आते हैं तो आप एक बात याद रख लीजिए कि आपको डरना नहीं है, जो भी आपको काम करना है आराम से काम कीजिए, डरने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि कोई भी हम काम करेंगे उसमें नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए जो आपके साथ में काम करते हैं कारपेंटर भाई आपको काम इसलिए नहीं करने के लिए देते हैं क्योंकि आप डरते हैं। और जब आप डरना बंद कर देंगे, कोई भी काम जो है आराम से करेंगे तो आपको जो है काम करने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको काम करने के टाइम पे कभी भी डरना नहीं है, आराम से काम करना है। आप जब भी कारपेंटर काम करते हैं या फिर थोड़े दिनों के बाद जब आप उसका नाम जान जाएंगे और आपके अंदर से जब डर खत्म हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको देखिए एक चीज़ अभी आपको बता देता हूँ कि जो कि ज़िंदगी भर आपको काम करने आएगा उसका ज़रूरत पड़ेगा, वो ये है कि कटिंग मशीन। देखिए फ्रेंड, हम लोगों का जो कारपेंटर वर्क होता है, फर्नीचर वर्क किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल होता है वो है कटिंग मशीन, जिससे कि पूरा दिन काम होता रहता है दोस्तों। और कभी भी कहीं पे भी अगर आप काम करते हैं आपके पास कटिंग मशीन नहीं है तो काम नहीं कर पाएंगे। तो जब आप नए कारपेंटर है कटिंग मशीन चलाना सीखते हैं या फिर चलाने के लिए मिलता है तो दो तीन बात उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों पॉइंट नंबर वन कि जब आप कटिंग मशीन चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़िए। कटिंग मशीन चलाने से पहले आपका जो मशीन है दोस्तों, मशीन आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, आपके हाथ में, तभी जो है आप कटिंग मशीन चला सकते हैं। और कोई भी पीस आप कट करते हैं दोस्तों तो वो कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसके लिए दोस्तों आपको गेज का जो प्लेट है दोस्तों वो आपको परफेक्ट मालूम रहना चाहिए कि आपका जो मशीन का गेज प्लेट है वो कितना चलता है। वो अगर आपको नहीं मालूम है तो उसका वीडियो दोस्तों ऑलरेडी बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं वहाँ से कि कटिंग मशीन आप कैसा चलाना सीख सकते हैं, उसका गेज प्लेट मालूम कैसे होता है। तो दोस्तों जब उसका आपको गेज प्लेट मालूम हो जाएगा परफेक्ट, एमएम में लीजिए, इंच में लीजिए, कभी भी एक बात का आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब आप कटिंग मशीन चलाते हैं या फिर उसका गेज प्लेट जब चेक करते हैं तो आपको 1 mm भी उसमें छोड़ना नहीं है कि उसको नहीं पकड़ते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। जब 1 mm भी आप छोड़ देते हैं तो जब बाहर के साइड से प्लाईवुड कटिंग करते हैं तो 1 mm उस प्लाईवुड में चला जाता है, अंदर के तरफ से जब कटिंग करते हैं तो 1 mm इसमें आ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको जो मटेरियल कट करते हैं या फिर बॉक्स का, लेमिनेट का, विनियर का कोई भी पीस जब आप कट करते हैं तो वहाँ पर छोटा बड़ा इसीलिए हो जाता है। जब आप परफेक्ट कटिंग करेंगे प्लाईवुड या फिर लेमिनेट विनियर तब जो है आपका काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इस बात का आपको खास करके भी ध्यान देना है कि आप जब भी कटिंग मशीन चलाते हैं तो उसका जो आपका जो भी मटेरियल कटिंग करते हैं बिल्कुल परफेक्ट कटिंग कीजिए। और एक बात, जब मशीन आप चलाते हैं दोस्तों तो उसका जो गेज प्लेट है हमेशा चेक कर लीजिए वो टाइट है कि नहीं। जितना साइज़ का आपको प्लाईवुड कटिंग करना है दोस्तों उतना ही उसको गेज बाहर कीजिए, ये नहीं। अगर कोई कारपेंटर भाई आपसे पहले कटिंग करके जा रहे हैं तो आपका काम है जब मशीन के पास आप आते हैं उस मशीन का गेज प्लेट अच्छा से चेक कर लीजिए कि वो परफेक्ट है कि नहीं, लूज नहीं रहना चाहिए। वहीं पर दिक्कत हो जाता है जो नए कारपेंटर भाइयों रहते हैं उनको मालूम नहीं रहता कि गेज प्लेट हमारा टाइट है लूज है। तो जब आप कटिंग करते हैं दोस्तों तो आपको नीचे का पत्थर मार्बल
कुछ भी रहता है वो कटिंग हो जाता है, इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आगे का जो कारपेंटर आपके साथ में काम कर रहे हैं वो आपको नेक्स्ट काम करने के लिए नहीं देते हैं। दोस्तों अब आपको मालूम हो गया कि कटिंग करने के टाइम पे किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे कटिंग करना चाहिए। लास्ट जो पॉइंट हमारा है दोस्तों वो ये है कि जब आप नए कारपेंटर काम सीखते हैं या फिर जिस भाई के साथ आप काम करते हैं तो वहाँ पे काम करने के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम इस बॉक्स का काम कर रहे हैं, यहाँ पे MDF पीस लगा हुआ है और ये MDF जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, जो भी आपके साथ में काम कर रहे हैं वह काम तो कर रहे हैं लेकिन उनसे दो कदम आपको आगे का सोचना है। आप वहाँ पे अगर सोचिए कि यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे हमको खिला हथौड़ी या फिर फेविकोल का ज़रूरत पड़ेगा तो वह चीज़ हम आपको नहीं बताएंगे, उससे पहले आपको ला के यहाँ पे रख देना है। तब जो है आपको परफेक्ट मालूम हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है, आप क्या चीज़ सीख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे दोस्तों इससे कैसे आप सीख सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वह चीज़ हम कर रहे हैं आपके साथ में और बगैर बताए आपको बता देते हैं कि ये चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा और सबसे पहले वह चीज़ आपको ला के रख देते हैं, तो होगा ये कि मेरा जो माइंड है दोस्तों और आपका माइंड अब हमारे साथ में ही चल रहा है, तो या तो काम हम करें या फिर काम आप करें। पहले दोस्तों आपको समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे अच्छा से तब जो है आपको काम करने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी काम करना है आराम से कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको सोचने का ज़रूरत पड़ेगा, कोई भी कारपेंटर काम आपके साथ में करते हैं, बड़े भाई छोटे भाई जो भी उनका काम मालूम है, उनके साथ में काम करने के टाइम पे इस बात का ध्यान रखिए उनको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, क्या काम कर रहे हैं, उसके बाद वो क्या चीज़ करेंगे और उसके बाद वो क्या काम करेंगे। जब इस बात का आप ध्यान रख लेंगे जो है दोस्तों बहुत जल्दी आप काम सीख सकते हैं। दोस्तों अब जो है आपको पूरा बात हम बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि आपको जो पूरा सामान का जो है नाम टूल्स का वो आपको पता रहना चाहिए। दूसरा नंबर जो है दोस्तों, आपके अंदर डर नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का काम करने के टाइम पर, जब आप डरेंगे तो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, कटिंग मशीन जब भी आप चलाते हैं तो बिल्कुल जो है उसका गेज प्लेट जो गेज रहता है दोस्तों उसको आपको कटिंग कितना कर रहा है मशीन आपको वो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उसका जो गेज कितने पे सेट है, जितना आपको प्लेवुड कटिंग करना है उस पे सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर पॉइंट है वो ये है कि जब आप काम करते हैं थोड़ा सा आगे का सोचिए, यानी कि किस चीज़ का आपको जरूरत पड़ने वाला, क्या काम आप करने वाले हैं। तो यही कुछ इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में आपको बताए हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको कारपेंटर से रिलेटेड सभी वीडियो मिलता रहता है कंटिन्यू। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।